हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो फ़ोन है, तो वीवो फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग्स पर जाकर जो हमारे फ़ोन में कीबोर्ड प्रॉब्लम है, तो कीबोर्ड प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं वीवो फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग्स पर जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही आइकन्स अपने आएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन ही आएगी। तो जो हमारे फ़ोन में कीबोर्ड प्रॉब्लम है, तो कीबोर्ड प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल, आपकी फ़ोन की सेटिंग शो हो रही है, तो आपको यहाँ पर सर्च करना है ऐप सेटिंग। तो जो ऐप सेटिंग से आपकी ओपन हो जाएगी, तो इसको हम ओपन कर लेंगे। तो शायद हमारे ऑप्शन नहीं आ रहे यहाँ पर। तो आपकी जीबोर्ड ऐप सेटिंग यहाँ से ओपन हो जाएगी, जहाँ से आप कीबोर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल इस पे जाना है और यहाँ से जो भी कीबोर्ड डाटा होगा उसको डिलीट कर देना है। डिलीट कर दे, कीबोर्ड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कीबोर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं सर्चिंग सेटिंग पर जाकर। अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप फ़ोन की ऐप सेटिंग्स पर जाकर भी कीबोर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फ़ोन के आइकन शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है और स्वाइप करते ही आपको सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन आएगी, जहाँ से आपको जाना होगा ऐप सेटिंग्स पे। तो ऐप सेटिंग्स आपकी ओपन हो जाती है, जहाँ से ऑल ऐप्स को ओपन करके आपके पास ऑप्शन आएगा जीबोर्ड का। जैसे हमारा जीबोर्ड ऑप्शन आपको मिल गया है, तो इस पर जाकर भी आप कीबोर्ड की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं कीबोर्ड डाटा को क्लियर करके। तो इस तरीके से आप कीबोर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं वीवो फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।